समय पहले आपको देखा था एकदम काफी अलग रूप में जी. और अब देख रहे हैं 4 साल शायद जी, जी. 4 साल बाद आपको देख रहे हैं एकदम अलग रूप में. जी. मैं चाहूंगी अपने किरदार के बारे में. जी बिल्कुल आपने सही कहा, 4 साल का ब्रेक लिया था और बहुत ही सुंदर वजह से ब्रेक लिया था. एक मुझे बेटी है अब 3 साल की. कैरेक्टर के बारे में ये कहना चाहूँगी, कैरेक्टर का नाम है कस्तूरी जो नेचुरोपैथी की डॉक्टर है. वो इस परिवार में शादी करके आती है जो सदियों से बंधवा मजदूर रहे हैं. और जैसे हर माँ रिएक्ट करती है कि उसको जब अपना बच्चा गिरवी रखना पड़ता है और जब बच्चे को देने की बात आती है तो ये औरत कहती है कि नहीं, मैं समाज को नहीं समझती, मैं इन दायरों को नहीं समझती, मैं इन दायरों को तोड़ूंगी और अपने बच्चे पर वो नहीं होने दूंगी जो अब मुझ पर हुआ है सदियों से. और ये एक स्टोरी है एक माँ बेटी की जिसमें वो कोशिश करते हैं उड़ान भरने की अपनी ज़िंदगी की जो सिचुएशन है उसमें से. इतना मतलब क्या अपने बच्चे के लिए अब क्या करने वाली है स्टोरी में? जो हर माँ करती है कि वो नहीं चाहती उसकी बच्ची को, बच्ची की ज़िंदगी ऐसी ख़राब हो, उस बच्ची को शिक्षा मिले, वो बच्ची कुछ बने ज़िंदगी में. और यही कसौटी माँ की जो है, उस कसौटी पर ये माँ रहती है कि हर बार उसे जूझना पड़ता है सिचुएशंस को लेकर. इस रोल को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मतलब एक काफ़ी अलग रोल है आपके. बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा ऐसे रियल लाइफ में एक माँ हूँ तो आई थिंक मेरे लिए एक माँ का कैरेक्टर ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन ही बहुत बहुत इंजॉयबल कैरेक्टर है. सो आई थिंक बहुत नेचुरली आ रहा है मुझे ये कैरेक्टर अभी, ये रोल माँ का एज आई सेड. सो ऑफ स्क्रीन भी माँ हूँ, ऑन स्क्रीन भी माँ हूँ. तो जैसे उड़ान सेट पे ख़त्म होती है घर की उड़ान शुरू हो जाती है मेरी. तो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट. जो बच्ची है उसके साथ काम करने बहुत बहुत प्यारी बच्ची है सीरियसली. ऑफ स्क्रीन भी मुझे माई बुलाती है. मतलब कल एयरपोर्ट पे सब देख रहे थे जब हम प्रमोशन के लिए गए थे, माई माई यहाँ, और हाँ बेटा आ रही हूँ. सो बहुत मज़ा आता है. और बच्चों के एनर्जी लेवल्स कुछ और ही होते हैं, एनर्जी यू नो द पैशन विच चिल्ड्रन है, और वो रब ऑन होती है आपको जब आप काम करते हैं उनके साथ. दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, उड़ान एक बहुत ही प्यारा सीरियल है, बहुत ही दिल से बनाया गया है. तो आप ज़रूर इसे देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे ना भी लगे तो हमको फीडबैक देते रहिए. और आप, आई एम श्योर हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा लगे हमारा शो. सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में सर बड़े हैं तो सर से शुरू करते हैं. मैं साई बलाल हूं और मैं इस शो में कमल नारायण राजवंशी का कैरेक्टर निभा रहा हूं जो एक ठाकुर है, एमएलए है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से. इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीढ़ी दर पीढ़ी जीतते आ रहे हैं, उसके फादर, उसके फोर फादर्स, ग्रैंड फादर सभी जीतते आ रहे हैं. तो वो परंपरा को निभा रहा है ये कमल नारायण राजवंशी. इनका मेन बिजनेस है सिल्क फार्म. अब सिल्क फार्म में एक जोड़ा है जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं, सभी जितने भी लेबरर्स हैं सब बॉन्डेड हैं, सब बंधुआन हैं. अब इस जोड़े की ज़िंदगी में कुछ होता है, उसके जो मर्द हैं भुवन, उसके फादर एक्सपायर होते हैं और श्राद्ध के लिए पैसे नहीं रहते. तो हमसे लोन लेने आता है, लेकिन लोन लेने के बदले, लोन के बदले उसको कुछ गिरवी रखना है जो उसके पास कुछ है नहीं. तो मेरी अर्धांगिनी जो है हर गलत काम में हमारा साथ देती है, वो बोलती हैं जो पेट इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है इसे गिरवी रखते हैं और अल्टीमेटली वही होता है. तो वो जो बच्ची बाहर, हाँ वो बच्ची जब पैदा होती है उसके बाद जो बड़ी होगी, सो ये कॉन्फ्लिक्ट है उस सिस्टम और इस सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम के बीच में. कहानी ये है एक लड़की के सपने को साकार करने की जो एक यात्रा है, और हम लोग उसके जो है एक लिंक है कि बिकॉज अगर आप कोई भी नेगेटिव फैक्टर नहीं होगा तो कहते नहीं, हाँ तो आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे. तो हम दोनों उस लड़की, रावण है तभी तो राम है, हाँ तो हम लोग उसके जीवन में अवरोध पैदा करते हैं और फिर वो लड़की उससे कैसे निकलती है, तो उसकी पूरी कहानी है. मैं बोल भी चुका हूँ, जैसे आप बंधुआ हैं हम भी इनके बंधुआ हैं, हम बोल चुके हैं जैसे आप बंधुआ हैं इस चैनल की, वैसे हम इनके बंधुआ हैं. नहीं नहीं, ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे के पूरक हैं. मतलब
जो कमल नारायण करता है तो मैं उसमें उसका साथ देती हूँ, और मैं उसमें से दो चार और आइडिया लगा देती हूँ कि इसको ऐसे करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और कमल नारायण का जो कैरेक्टर है थोड़ा गुस्से वाला है, ये हमारी राजू गाइड ये गाइड करती है, और मैं शांत तरीके से उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, उसमें दिमाग लगा के उसको कैसे अपना बनाया जाए, वो गेम मैं प्लान करती हूँ। आप आपके पिछले किरदारों से कितना अलग है ये किरदार? और मतलब मैं अभी कह रहा था कि मैंने एक शो किया था फुलवा इसी चैनल के लिए, कलर्स चैनल के लिए, वो ठाकुर और ये ठाकुर में आसमान जमीन का फ़र्क है, क्योंकि वो ठाकुर बहुत ही रस्टिक अनपढ़ किस्म का ठाकुर, लाउड सा नहीं, ठाकुर बोलते ही एक खाका आपके दिमाग में आता है कि लंबा चौड़ा सा आदमी, बड़ी बड़ी मूछें, डांटता होगा, गाली देता होगा, तो वो ठाकुर वो फुलवा वाला ठाकुर था। कंपेयर्ड ये जो ठाकुर है कमल नारायण राज, ये बहुत ही डिग्निफाइड सा, सोफिस्टिकेटेड सा, बड़ा लिखा आदमी, हार्वर्ड बैकग्राउंड से है, तो जब बोलता है तो बहुत रियल बोलता है, बहुत नेचुरल बोलता है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो फर्क यही है। और ठाकुरायन का किरदार मतलब कितना डिफरेंट है अपने हर किरदार से? और देखिए अभी तक इसके पहले मैंने जो भी शो किया बहुत ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स था, ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है, और बहुत ही रियल कैरेक्टर है, और हम लोग पूरा शो का जो कॉन्सेप्ट ही है वो बहुत रियल है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए शायद मुझे लगता है दर्शक इससे जुड़ भी पाएंगे। तो हम लोगों का जो परफॉर्मेंस स्टाइल भी है वो बहुत रियलिस्टिक पैटर्न में हम लोगों ने किया है, तो हमारा कैरेक्टर भी यही है कि मैं उसी जो भी कमल नारायण करता है उसके साथ मिल के उसको बहुत ही मीठे तरीके से मैं उस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँ या और प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, ये काम मेरा होता है, सिंपल और सॉफ्ट तरीके से लड़ाई लड़ने की तरीका। अपने शो के लिए दर्शकों को मैं कहूँगा कि सैटेलाइट चैनल में इस जॉनर में बहुत ही कम शोज बने हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए शोज हैं, ये उन्हीं में से है, बहुत ब्यूटीफुल शो है, बहुत नेचुरल है, और डेफिनेटली एक अच्छा शो आप लोगों के लिए दिया। हाँ। देखिएगा, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू। When people say इस पिक्चर में रिवेंज होता है, एक्शन होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है, हाँ सब कुछ है, और डंकी की चोट पर है, और अगर इसको उखाड़ सको तो उखाड़ लो, ऐसी की तैसी तुम्हारी है। दिस इज अ बॉलीवुड फिल्म।